हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से आप सभी दोस्त इंतजार कर रहे थे कि जो बिहारी बोर्ड एजुकेशन हरियाणा है, उन्होंने दिसंबर में एग्जाम होगा स्टेट का, ये तो बोल दिया है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों के साथ जो जानकारी साझा करूंगा, उसमें यही बताऊंगा आपको कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने जो है लिंक है वो ओपन कर दिया है, जिसके अंदर आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे दिया है estate2023.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो बनाने का दोस्तों मोटिव यही है कि आप सभी दोस्तों को पहले तो ये जानकारी प्रोवाइड करूँ कि जो इनकी तारीख है वो कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके बाद में जो इसके इंपॉर्टेंट कुछ इंट्रेक्शन दे रखे हैं वो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती न हो। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि जो हमारा एस्टेट का एग्जाम होगा वो तीनों लेवल का होगा, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म भर के भी आपको दोस्तों दिखाऊंगा, जिसमें आप जो है गलती बहुत कम करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो है किस प्रकार से फॉर्म का प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है ऑनलाइन सिस्टम जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है वो 30/10/2023, यानी आज 30 तारीख है, आज इसका लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। 10 दिनों तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, 10/11/2023 इसकी अंतिम तिथि रहेगी। लास्ट डेट का दोस्तों आपको इंतजार नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर दें। कोरेक्शन डेट भी आएगी जो 11/11/2023 से 12/11/2023 के बीच रहेगी। इसमें आप कोरेक्शन किस लेवल की कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप बदल सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों के साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट भिवानी बोर्ड की। ये हमारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है जो हमारा ये एग्जाम है ये ऑर्गेनाइज करवाती है। यहाँ पे इसमें हिंदी के अंदर दिया हुआ है एस्टेट एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन है वो, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में सिलेबस भी आपको दोस्तों इसी में मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो दोस्तों, अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में हमारे सामने ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जिसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्मों की फीस बता रखी है इन्होंने, एक लेवल के लिए, दो लेवल के लिए, एससी और जनरल के लिए। इसमें ईडब्ल्यूएस वालों को फीस में कोई छूट नहीं मिलेगी। ये जो इन महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो मैंने आप सभी दोस्तों के बताई वो भी इसमें दे रखी है। एक कैंडिडेट जो है एक ही बार ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, उसी के अंदर अपने दो लेवल भरना चाहता है तो एक फॉर्म में ही दो लेवल कर सकता है, ऐसे नहीं आप डबल रजिस्ट्रेशन करेंगे। डबल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। और भी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैंसिल होगा वो भी इंपॉर्टेंट बिंदु आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा। इसमें जो जरूरी दस्तावेज है उसमें फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके साफ तौर पे अपलोड करने हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रवेश पत्र है वो डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। आपके जो एडमिट कार्ड है वो 24/11/2023 से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट उनमें आपको बताई थी फॉर्म भरने की, वो यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद में जो इसका इंग्लिश का जो दे रखा है नोटिफिकेशन वो पढ़ते हैं, उसमें सही तरह से समझ आ जाएगा आप सभी दोस्तों को, क्योंकि हिंदी वाले के अंदर जो देश यहाँ पे परिचय दे रखा है, लघु शीर्षक परिभाषाएं दे रखी है, इसमें आपको जो है इतना समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंग्लिश में, उसको एक बार केयरफुली ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो समझ आ जाए किसी प्रकार की, जो आप इसमें गलती न करें। बाकी मेरी साइड से जितनी जानकारी होगी मैं आपसे भी दोस्तों को प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो सभी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है, वो इसमें आई गई है। इसके बाद में इसके तीन लेवल होते हैं दोस्तों। फर्स्ट लेवल आप सभी दोस्तों को पता है जेबीटी वालों के लिए होता है, प्राइमरी टीचर का, पीआरटी बोलते हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड लेवल होता है 6ठी से 8वीं क्लास, टीजीटी जिसको बोलते हैं, जिसमें बीएड प्लस ग्रेजुएशन जरूरी है, और फर्स्ट लेवल में जेबीटी जरूरी है प्लस टू के साथ। इसके बाद में हमारा तीसरा होता है जिसमें होता है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसके अंदर एमए प्लस बीएड जरूरी है। तो इसकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अंदर सिलेबस भी दिया हुआ आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में,
मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको जाकर के क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मार्क करके इसको स्टार्टअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन कैंडिडेट जो है उसका 10वीं के सर्टिफिकेट में है वो नाम यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको पासवर्ड जनरेट करना है। आप कोई भी अपनी मर्जी का पासवर्ड इसमें लगा सकते हैं जो कि आपको याद रहे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको होता है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोस्तों ऐसा लगाना है जो आपके मोबाइल में चल रहा है प्रॉपर, जो मोबाइल नंबर बंद होने वाला नहीं है। यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं यूनिक आईडी के तौर पे। यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं जिनको आप केयरफुली पढ़ सकते हैं। इसके बाद में इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इसको लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा जिसमें होगा CPBSC, जिसमें होगा देयर इज योर वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड इसके अंदर आपको फिलअप करना है जो कि 5 अक्षरों का होगा। इसके बाद में वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। ये आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से लेवल के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक साथ मार्क कर सकते हैं। अगर एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद में जो दोबारा से इसको मार्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप जो है फिर एक ही टाइप का लेवल अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोरेक्शन टाइप में भी आप उसमें 2 लेवल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसमें सेकेंड लेवल कर रहे हैं तो इसमें आपको जो है सब्जेक्ट चुनना होता है। थर्ड लेवल कर रहे हैं तो आपका जो एमए का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इसमें फिलअप करना होता है। तो जैसे मैं फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके अंदर दोस्तों आपका नाम दिया हुआ है, नाम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में। उसमें जी हम मदर्स नेम आ गया आपका। सारा एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल अक्षरों में ही आपको फिलअप करना है। ये यहाँ पे आप बहुत ज्यादा गलती करेंगे दोस्तों, मदर्स नेम फादर्स नेम। क्या होता है कि पहले फॉर्म में फादर्स नेम पूछते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कैंडिडेट जो है पजल हो जाते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म वाला भी कई बार ध्यान नहीं देता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि मदर नेम आएगा और फादर नेम बाद में आएगा। ये गलती आप कभी नहीं करें, इसका खास तौर पर ध्यान रखें एप्लीकेशन फॉर्म भरते और भरवाते समय। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आ गई फैमिली आईडी। फैमिली आईडी आप इसको फैमिली आईडी के अंदर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में आ गई दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है, जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। इसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का जेंडर मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आ गया, यहाँ पे कैटेगरी SC BC जनरल जो भी है। इसके अंदर EWS कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन नहीं है EWS का। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में जो चीजें सबमिट हो गई थी वो दूसरे बार में आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कैंडिडेट के जो अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी है आपका अकाउंट नंबर फिलअप कर दीजिएगा। बैंक जो भी है उसका IFC कोड होता है, जो ब्रांच कहाँ पे है ETC, सारा सही तरह से बनना है। मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है। मार्क आपके शरीर पे कोई मार्क है वो यहाँ पे करना है। टाइप एरिया यहाँ पे रूरल अर्बन है जो भी है। हरियाणा डोमोसाइल वाला ये नो रहता है, इसको यस जरूर याद करके करना है। गलती कर देते हैं कुछ दोस्त, इसको नो ही पढ़ा रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यस करना जरूरी है। होम डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट सही से बनना जरूरी है। होम डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही एग्जाम सेंटर चॉइस दे रखी है यहाँ पे। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी देयर परफॉर्मेंस चॉइस विल बी अलॉटेड। अगर खाली होगी यहाँ पे सीटें तो आपको जो है एग्जाम सेंटर से मिल जाएगा, तो यहाँ पे
एग्जाम सेंटर अपनी मर्जी का कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आप दिखाई देते हो। नेक्स्ट प्रोसेस करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद में इंट्रैक्शन ये डिटेल सारी पढ़ लेनी है। आपने लेवल वन के लिए अप्लाई किया है तो आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से होनी चाहिए सारी की सारी। इसके बाद में आपको अगर आप पीजीटी के लिए करेंगे तो यहाँ पे पीजीटी लेवल का एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया शो करेगा यहाँ पे। इसका प्रोसेस अब की बार कुछ लंबा है दोस्तों। यहाँ पे 10वीं 12वीं के जो रोल नंबर मार्क्स है वो सारे फिलअप करने हैं आपको, कौन सा बोर्ड था वो भी, ईयर ऑफ पासिंग जो थी आपकी वो कितने नंबर आए थे आपको, कितने परसेंट नंबर बनते हैं, डिवीजन आपकी क्या है, इसके बाद में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ सेकेंडरी में 10वीं, सीनियर सेकेंडरी में 12वीं की और हायर क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट करना है आपको। इसके बाद में आपका एड्रेस है दोस्तों, मॉडल टाउन वार्ड नंबर जो भी आपके गाँव का एड्रेस है वो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। स्टेट हो गया और आपका जो पिन कोड है एरिया का वो हो गया इसमें। ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने तैयार हो गया है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको जो है सेव कर सकते हैं, और इसमें अगर अभी अभी चेंज करना चाहते हैं तो इसमें साथ ही साथ चेक कर सकते हैं, चेंज भी हो सकता है, लेकिन सबमिट होने के बाद में इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट आप जो है नहीं कर पाएंगे। इसमें आप अपनी जो एग्जामिनेशन पास जेबीटी की जानकारी है वो भी इसमें फिलअप कर सकते हैं। बोर्ड कौन से की है, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन। ये सारा प्रोसेस करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे है प्रोसेस पेमेंट और डिक्लेरेशन का ऑप्शन। इसमें आप जो अपनी फीस है वो यहाँ से पे कर सकते हैं, जो आपकी फीस रहेगी दोनों लिंक में कोई भी लिंक आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें बता देता हूँ कि आप जो है कोरेक्शन के टाइम पे ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे, तो जितना हो सके दोस्तों गलती करने से बचिएगा। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और जो आप पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अगर पेमेंट अपडेट नहीं है अब होती है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, दोबारा से पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कमेंट करके साझा कर सकते हैं।